प्रधानमंत्री अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 13वें G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। G20 सम्मेलन में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद पर भी चर्चा होने की है संभावना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच दौरे पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। धान क्रय केंद्र का जाना हाल, किसानों से की बातचीत। इसरो ने किया PSLV-C43 के जरिए धरती का अध्ययन करने वाले उपग्रह हाइसिस का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण। PSLV-C43 के साथ 8 देशों के 30 उपग्रह भी किए गए प्रक्षेपित। और 18 दिसंबर से शुरू होगा विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। राज्यपाल राम नाईक ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत के लिए दी सहमति। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के लिए रवाना हो चुके हैं। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन में सुधारों को लेकर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। G20 सम्मेलन में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद पर भी चर्चा होने की संभावना है। ब्यूनस आयर्स में होने वाली G20 की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। अपने 48 घंटों के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री दुनिया के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा से पूर्व जारी किए गए वक्तव्य में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए भारत की प्रतिबद्धता दृढ़ है। समान और सतत विकास के लिए सामंजस्य स्थापित करने पर भी भारत का जोर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार पर चर्चा होगी। वैश्विक वित्तीय और कर व्यवस्था के अलावा आधारभूत संरचना और महिला सशक्तिकरण के लिए भी मंथन होगा। Our view is that the G20 goes beyond a single issue and must actually cover the entire gamut of economic issues, including agriculture sector reform, including the transition in energy, the healthcare problem that the world faces, and so on. So I think this is the frame of mind or the terms of reference on which certainly the delegation from India led by Prime Minister will be participating. विश्व के प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात के अलावा G20 में 3 मुख्य सत्र होंगे। पहला सत्र पुटिंग पीपल फर्स्ट यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था भविष्य की चुनौतियों पर आधारित होगा, जबकि दूसरा सत्र आपस में सामंजस्य स्थापित करने पर होगा, तो वहीं तीसरे सत्र में अवसरों को समावेशी बनाने पर चर्चा होगी। The Prime Minister will be making a lead intervention in the first session. Certainly, the challenges that we intend to highlight at the G20 include risks posed by oil price volatility. This is something which has directly impacted the Indian economy. It is incumbent that leaders of the 20 largest economies reflect on both the price of oil and its availability in the market. So this is one area in which Prime Minister will speak. इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री डिजिटल क्रांति के बढ़ते हुए दायरे और नई अर्थव्यवस्था से बढ़ते रोजगारों पर भी जोर देंगे। साथ ही वे भारत में लोगों के जीवन स्तर में सुधारने और वित्तीय समावेश के लिए महत्वाकांक्षी जनधन योजना, कर सुधारों के लिए GST, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा और स्टार्टअप योजनाओं का जिक्र करेंगे। 2015 में अहम रहे पेरिस समझौते के मुताबिक सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अगुवाई भी कर रहा है। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की तकनीक पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन में आपदा प्रबंधन, देशों के बीच विभिन्न तकनीकों के आदान प्रदान पर जोर रहेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो सहित ब्रिक्स के नेताओं और दूसरे अन्य दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की बढ़ती आर्थिक शक्तियों के इस सम्मेलन में अर्जेंटीना का टेंगो क्या नया मोड़ लेकर आएगा, ये आने वाले दिनों में जरूर तय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर किए गए कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुलिस मॉडल स्कूल में बच्चों से मिले और मंडी समिति स्थित धान क्रय केंद्र जाकर क्रय केंद्र के हालात को देखा और किसानों से बातचीत की। इसरो ने अपने पोलो सैटेलाइट लॉन्च विकर यानी PSLV-C43 की मदद से आज सुबह भारत का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह और 8 देशों की 30 अन्य सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया। इन विदेशी उपग्रहों में से 23 अमेरिका के हैं।
हाइसिस उपग्रह मिशन लाइफ के अंतर्गत अनेक फ्रीक्वेंसी के जरिए समूचे पृथ्वी के चित्र लेगा। इस उपग्रह की अवधि 5 साल से अधिक की होगी और ये उपग्रह पूरे विश्व को कवर करेगा और कृषि, वन, भूविज्ञान, पर्यावरण, तटीय क्षेत्र और अंतर्देशीय जल क्षेत्र के बारे में भी महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाएगा। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह भू अवलोकन सेटेलाइट है जिसका विकास इसरो ने किया है। ये पीएसएलवी C43 अभियान का प्राथमिक उपग्रह है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। राज्यपाल राम नाईक ने बुधवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के तृतीय सत्र को 18 दिसंबर पूर्वाह्न 11 बजे से आहूत करने के लिए सहमति प्रदान कर दी है। प्रयागराज जिले के प्रभारी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्राविधिक शिक्षा चिकित्सा शिक्षा आशुतोष टंडन ने जिला समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके पहले उन्होंने प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में करवाए जा रहे नव निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम इमरजेंसी वार्डों का निरीक्षण करते हुए वहां पर मरीजों का हालचाल लिया। एसआरएन के बिल्डिंग के कार्य में हो रही देरी में निर्माण कार्य कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि प्रयागराज जिले में 3 समितियां गठित की गई हैं। लोकसभा चुनाव ब्लॉक सेक्टर तक पदाधिकारियों को जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले उन्हें जागरूक करवाना है, साथ ही छूटे हुए मतदाताओं को मतदाता लिस्ट में जुड़वाना है जिससे कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न रह जाए। 3 संगठनात्मक इकाइयां हैं, इलाहाबाद महानगर, इलाहाबाद, आज इलाहाबाद जमनापाल जो संगठनात्मक जिला है उसकी समन्वय समिति की बैठक थी और इसमें हम जो हमारे संगठनात्मक कार्य हैं जो पिछले दिनों हमारे कार्यक्रम हुए हैं संगठन के उनकी हम समीक्षा चर्चा करते हैं, भविष्य में जो होने वाले हैं उनके लिए हम आगे कैसे कार्य हो उस पर चर्चा करते हैं। हमारे विशुद्ध रूप से संगठन की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय के अनुसार फैजाबाद जनपद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या रखे जाने के बाद अब अयोध्या जनपद दस्तावेजों में दर्ज हो गया है, जिसके बाद से सभी कार्यालयों में अयोध्या जनपद लिखे जाने का कार्य तेज हो गया है। इस बीच स्थानीय सांसद, निवासियों और संत महंतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद और बधाई दी है। स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अयोध्या पूरी दुनिया में जानी जाती है। अयोध्या के सांस्कृतिक समृद्धि को पुनः स्थापित करके योगी जी ने यहां के निवासियों को एक बड़ा उपहार दिया है। इस पर क्या कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। अयोध्या जिसको पूरी दुनिया जानती है उस नाम से फैजाबाद जनपद का नाम हुआ है और अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, इसलिए जहां पर भी अयोध्यावासी जाते हैं वहां पर उनका वहां के नागरिक स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए फैजाबाद नाम बदल करके यहां के नागरिकों को एक अच्छा उपहार देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है कि फैजाबाद के की मान्यता अयोध्या के साथ जुड़ी हुई थी उसको एक उन्होंने एक एक शासन का स्वरूप दे दिया, शासन के शासनादेश का स्वरूप दे दिया, तो ये अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है। इसको बहुत अच्छा है ये फैसला जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, उसके यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत कोटिशाह बधाई। इसके लिए तो हम लोगों ने आग्रह किया था माननीय योगी जी से, हम लोगों ने लिखित भी आवेदन दिया था, मौखिक भी निवेदन किया था और अयोध्या फैजाबाद को अयोध्या कर देने के लिए नाम संज्ञा जिला का संज्ञा देने के लिए, इलाहाबाद को से प्रयाग की संज्ञा देने के लिए और मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जंक्शन का नाम संज्ञा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों ने दिया है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, कोट कोट धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए। अयोध्या तो संपूर्ण पृथ्वी की अगुवाई करने में सक्षम रही है शुरुआत बहुत पहले से, सनातन काल से, और आज जो हुआ है वह सनातन काल को वर्तमान में देकर के योगी जी ने बहुत ही अच्छा और उपलब्धिपूर्ण कार्य किया है। मैं उनको कोट कोट बधाई देता हूँ। पूरे अयोध्यावासियों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई कि हमको हमारी संस्कृति वापस दे दिए अयोध्या बनाकर।
वाराणसी के केदार घाट स्थित भवन पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए द्वारिका पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि वाराणसी में हुई धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मामला न्यायालय में लंबित है, अतः सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि उच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हुए उसी निर्णय के अनुसार जल्द फैसला दिया जाए तथा संसद से भी अनुरोध किया जाएगा कि राम मंदिर मामला जनहित से जुड़ा हुआ है, इसलिए संसद से सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि एक माह में मुकदमे का निपटारा किया जाए। इस संबंध में देश के सभी सांसदों को पत्र भी भेजा जाएगा। राम मंदिर शीघ्र बने इसके लिए ठोस कार्य करना चाहते हैं। इसके संबंध में आपने हम लोगों का पत्र सुन लिया होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करने जा रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको यथावत रखे और जो अपना स्टे है उसे समाप्त करे और पार्लियामेंट से कानूनी कार्रवाई है वो करके संबंध में निर्णय घोषित करवाए। प्रयागराज कुंभ मेले से पहले कल जूना अखाड़ा के संतों ने शाही अंदाज में नगर प्रवेश किया। साधु संतों के नगर प्रवेश के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट और गाजे बाजे से नगर आगमन आकर्षण का केंद्र रहा। संतों के शाही अंदाज में कुंभ से पहले नगर आगमन को ही कुंभ की तैयारियों की पहली औपचारिकता माना जाता है। जूना अखाड़े का नगर प्रवेश झूंसी के रमापुर गांव रोकड़िया हनुमान मंदिर से शुरू होकर अंदावा से शास्त्री ब्रिज होते हुए नगर में प्रवेश हुआ। जूना अखाड़े के नगर प्रवेश में सबसे आगे आराध्य दत्तात्रेय भगवान की चांदी की पालकी के साथ सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने जिसमें महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत और नागा सन्यासियों का हुजूम देखते ही बन रहा था। कानपुर स्थित लघु शस्त्र निर्माणी द्वारा आज भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और व्यवसाय करने में आसानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों में सहायक संपर्क SAF ऐप लॉन्च किया गया। महाप्रबंधक लघु शस्त्र निर्माणी SK पटनायक के अनुसार इस ऐप से लघु शस्त्र निर्माणी के उत्पादों के लिए सप्लाई होने वाले किसी भी प्रकार के मटेरियल के ऑर्डर, उसकी गुणवत्ता और बिल से संबंधित जानकारी वेंडर्स प्राप्त कर सकेंगे। वेंडर्स को ऐप से यह भी पता चल सकेगा कि उनका मटेरियल पास हुआ या नहीं। ऑर्डर की जानकारी के साथ ही पेमेंट की जानकारी भी ऐप के जरिए मिल सकेगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से मटेरियल की खरीद, उसकी गुणवत्ता की पूरी मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसी के साथ पेमेंट भुगतान प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। एंड्रॉयड फोन पर ऐप लॉन्च करने के बाद वेंडर अपने कोड और पासवर्ड के माध्यम से इस ऐप का उपयोग कर सकेंगे और सप्लाई किए गए किसी भी मटेरियल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है एक लॉन्च किया गया जिसका नाम है संपर्क SAF। ये बेसिकली एक वेंडर मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ये एप्लीकेशन, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वेंडर को डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू देयर सप्लाईज, देयर ऑर्डर्स, बिल्स, पेमेंट, ऑल इन्फॉर्मेशन जो है इस एप्लीकेशन, ये एंड्रॉयड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू से उनको ऑल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये बेसिकली इट इज एन अटेम्प्ट एज ए पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विथ स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापना के लिए हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के आवास पर अधिवक्ताओं ने कहा है जिसे न्याय के लिए 750 किलोमीटर इलाहाबाद जाना पड़ता है। ये मांग तकरीबन 45 साल से चल रही है। हमारी मांग ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ जनता रहती है, उसमें सभी किसान हैं, मजदूर हैं, सभी गरीब तबके के लोग भी हैं, व्यापारी भी हैं, सभी के जो हैं मुकदमे होते हैं और उनको अपना मुकदमा लड़ने के लिए 750 किलोमीटर इलाहाबाद जाना पड़ता है। हमारी मांग ये चल रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 22-25 जिले हैं उनको जोड़कर आप एक हाईकोर्ट की बेंच दे दीजिए। पूरा आज देखिए सारे वकीलों का डेलीगेशन यहाँ आया है, यहाँ पर है और अपनी बात कहने का अधिकार सबको है इसमें है और अपनी जो भी उनकी मांगे थी उन्होंने ज्ञापन दिया है, मैंने ज्ञापन लिया है उनका है। अब ये ज्ञापन है जो अपना नेतृत्व है, अपना प्रदेश और केंद्र सरकार को ये ज्ञापन मैं सौंप दूंगी। आज मैं लखनऊ जा रही हूँ, वहां जाकर इस विषय में बात करूंगी। बरेली में जेआरपी को बड़ी कामयाबी मिली है।
जीआरपी पुलिस ने बावरिया गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरोह में 3 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। ये गैंग राजस्थान के अलवर का रहने वाला है और स्कॉर्पियो से बरेली आकर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। बरेली जीआरपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 बावरिया गिरोह के सदस्य हैं, जिन्हें चोरी करने में महारत हासिल है। गिरोह में शामिल 3 महिलाएं चोरनी हैं, जो बड़ी ही आसानी से ट्रेन में मुसाफिरों की जेब काट लेती थी। इतना ही नहीं, ये लोग महिलाओं की चेन, पर्स, मोबाइल चोरी किया करते थे। जीआरपीओ के सीईओ डॉक्टर संतोष ने बताया कि ये लोग अब तक दर्जनों चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 2 दिन पहले ही एक महिला का एटीएम चुराकर 35,000 रुपए निकाल लिए थे। उन्होंने बताया कि गैंग के पास से एक स्कॉर्पियो, 13,000 कैश और सोने चांदी के करीब 50,000 रुपए के आभूषण भी मिले हैं। ये स्कॉर्पियो गाड़ी के माध्यम से स्टेशन के आसपास आ जाते थे और वहीं से जो यात्री थे उनका एटीएम चुरा लेते थे। एक महिला का एटीएम निकाला परसों, उससे एटीएम से पैसे निकाल लिए और उसी एटीएम के माध्यम से इन्होंने खरीदारी की। इनके पास से कुछ जो चोरी गए हुए सोने के आभूषण और नगद पैसा बरामद हुआ है। इनके द्वारा बरेली स्टेशन पर ही वारदात किया जाने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त और कहीं घटना कारित किए होंगे, उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। गन्ना खरीद में गड़बड़ी को रोकने के लिए बरेली जिले में प्रशासन की ओर से गठित की गई टीम ने गन्ना क्रय केंद्रों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने क्रय केंद्र पहुंचकर जांच की। जिले में कुल 206 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान अपनी फसल बेच रहे हैं। किसान इस बार सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से खुश हैं। किसानों को घर बैठे तौल की पर्ची दी जा रही है, जिससे उन्हें अपना गन्ना बेचने में समस्या नहीं आ रही है। गन्ना तौल सही तोला जा रहा है, कोई घटतौली वगैरह नहीं हो रही है हमारे यहाँ रूरल सेंटर पे, और पर्चियाँ सुखसाई की तरफ से, समिति की तरफ से पर्चियाँ सब गांव में अवेलेबल कराई जा रही हैं। हाँ, पहले लंबा इंतजार करना पड़ता, अब सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं उसमें इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, आराम से सारी सुविधाएं हो रही है। जिले में प्रशासन की ओर से 5 टीमें बनाई गई हैं, जो हर दिन क्रय केंद्रों पर छाकर छापेमारी कर रही हैं। जिले में कुल 207 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं और सभी क्रय केंद्र सही तरह से संचालित हो रहे हैं। इसमें एक अभियान चला के ये देखा जाए कहीं भी किसी भी स्तर पर सेंटर पर घटतौली न हो। घटतौली की जांच के लिए विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया है और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, वो भी औचक निरीक्षण कर रहे हैं जिससे घटतौली न हो। इस बार बिहार स्तर पूरे जिले में खतौनी की जांच कराई गई है, जो कि गाटा वाइज फिटिंग कराई जा रही है। इसमें कई हजारों की संख्या में किसान अनियमित किसान मिले हैं, जिसका सट्टा बंद किया गया है। ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, शासन के भी निर्देश है कि किसी तरह से गन्ना माफिया गर्दी न हो, गन्ना के अवैध खरीद न हो, अवैध धंधे न हो, इस पर पूरी तरह से दबाव बनाए। कहीं भी अगर अनियमितता मिलती है तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर में पशु आश्रय योजना के तहत 1,42,00,000 रुपए की धनराशि से जनपद में 13 पशु आश्रय क्रय केंद्रों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे जनपद में अन्ना पशुओं के द्वारा उत्पन्न हो रही समस्याओं से निजात मिल सकेगी। जनपद में हमेशा से अन्ना पशुओं की समस्या से लोग परेशान रहे हैं, जिसके कारण किसानों को अपनी फसलों का नुकसान उठाना पड़ता था। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि सभी पशु आश्रयों का निर्माण जनवरी 2019 तक करवा लिया जाएगा। गोवंश के पशुओं के प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु कुल 13 आश्रय स्थल पब्लिक गौशालाओं का निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें से 8 तो मनरेगा के माध्यम से बनाए जा रहे हैं तथा 5 कार्यदायी संस्था CNDS के माध्यम से है। इनमें से 1 का कार्य पूर्ण भी हो चुका है, बाकी सभी का लक्ष्य अधिकतम दिसंबर 31 या 31 जनवरी 2019 तक पूर्ण कर लेना है। इससे तकरीबन 4,000 से अधिक जो हमारे गौवंश के पशु हैं, जो निराश्रित हैं, उनका प्रबंधन उचित हो पाएगा। वहां पे इंश्योर किया जा रहा है कि एक मैनेजमेंट कमेटी बनी और वो उनके चारा, देखरेख, स्वास्थ्य का, हर चीजों का उचित प्रबंधन, और साथ ही साथ जो गोबर और जो गोमूत्र है इसको भी हम टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये एक सस्टेनेबल मॉडल बन जाए। निजात यहाँ की गौशाला से बहुत मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी अन्ना पशु है सब इसी गौशालाओं के अंदर बेड़ दिया जाता है। इनको चारा, पानी और इनकी देखरेख, यहाँ पे लेबर लगे हुए हैं 4 जो इनकी देखरेख करते हैं। यहाँ अन्ना पशु नहीं है उतना, इसी में सब हो जाती है, तो किसानों को राहत ये है क्योंकि फसल बर्बाद नहीं होती है। किसानों के लिए भारतीय स्टेट बैंक 4% की दर से ऋण उपलब्ध करवाएगा और किसानों के विकास में भागीदार
बनेगा। भारतीय स्टेट बैंक की महाप्रबंधक सलोनी नारायण ने रायबरेली में पहली गोल्ड लोन काउंटर की शुरुआत करते हुए बताया कि इससे किसानों की जरूरतें पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आम आदमी 9.75% की दर पर गोल्ड रखकर ऋण ले सकता है। अब चंद मिनटों में ही इसे ऋण उपलब्ध हो जाएगा। आज हम लोग सिविल लाइन्स रायबरेली ब्रांच में दो नई सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। एक तो हम लोगों ने गोल्ड पॉइंट का इनॉग्रेशन किया है आज से। यहाँ के ग्राहकों को गोल्ड लोन बड़ी आसानी से 25 मिनट से लेके एक घंटे में मुहैया कराया जाएगा। और इस काउंटर की ये खासियत है कि आप अपने गोल्ड की प्योरिटी यहीं टेस्ट करा सकते हैं। आपके सामने टेस्ट होगी, उसका वेट भी आपके सामने लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली जितना लिमिट बनता है, जैसे हमने अपना ही गहना इनको दिया लोन देने के लिए, तो इन्होंने मुझे 10 मिनट में बता दिया कि आपको इतना लोन मिलेगा। तो ये है बेनिफिट ट्रांसपेरेंसी का, और उससे भी बड़ा बेनिफिट है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो आज के डेट पर 9.75% है, विच इज़ लोएस्ट एंड फार लेसर दैन द कॉम्पिटिटर्स जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई आपका सोना भी कमाएगा और आप ही क्यों आपका सोना भी कमाए। तो उन कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए हमने उससे बेहतर प्रोडक्ट के लिए एक अलग काउंटर खोला है। हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे रायबरेली के लोगों को कि वो मनी लेंडर्स और NBFCs और उनके पास न जाकर के भारतीय स्टेट बैंक में आए और ये सुविधा का लाभ उठाएं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में भी GST की तर्ज पर संघीय संस्थानों की जरूरत है ताकि राज्यों को इसका फायदा मिल सके। आज नई दिल्ली में CII हेल्थ समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में GST के रूप में पहला संघीय प्रयोग बेहद सफल रहा है और स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र में भी इसे अपनाया जाना चाहिए। फिल्मों के माध्यम से दुनिया को एक साथ लाने के लिए सजे 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल समापन हो गया। 9 दिनों तक चले इस समारोह में दुनिया भर की कई फिल्में दिखाई गईं और फिल्मी दुनिया से जुड़ी अनेक हस्तियों ने सिनेमा प्रेमियों से अपने अनुभव साझा किए। फिल्म समारोह में रूस और यूक्रेन फिल्में डॉन बॉस्को को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया। जाने माने पटकथा लेखक सलीम खान को जीवन भर की उपलब्धियों के लिए इफ्फी के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी रंगारंग समारोह के साथ ही भारत का 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह संपन्न हो गया। पणजी में हुए रंगारंग समारोह में तमाम मेहमानों की मौजूदगी में इफ्फी को इस साल के लिए अलविदा कहा गया। कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का संदेश सुनाया गया, जिसमें उन्होंने सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया तो अगले साल 50वें फिल्म महोत्सव के लिए अभी से लोगों को आमंत्रित किया। नेक्स्ट ईयर वी आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द 50th फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा। इट विल बी द गोल्डन जुबली एंड देयरफॉर वी इनवाइट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कार्यक्रम में गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा, केंद्रीय मंत्री KG अल्फोंस और सूचना प्रसारण सचिव अमित खरे मौजूद थे। सब ने समारोह की सराहना की तो अगले साल 50वें फिल्म महोत्सव को और ज्यादा धूमधाम से करने का संकल्प व्यक्त किया। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल प्लेसेस इन द होल वर्ल्ड। द म्यूजिक, द डांस, द टेक्सटाइल्स, द फूड, आई थिंक इट मेक्स इट ट्रूली अमेजिंग। We have also started preparing for the Golden Jubilee celebrations. We like to showcase each and every region and state of India, trace the history of IFFI from the 1st to the 49th, and also reflect on the vibrant culture of our country. IFFI के समापन समारोह में इस बार जाने माने पटकथा लेखक सलीम खान को सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए IFFI विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके बेटे अरबाज खान ने यह सम्मान ग्रहण किया। इट्स एन एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट फॉर द खान फैमिली एंड द फैक्ट दैट सच अ प्रेस्टीजियस अवार्ड हैज बीन बेस्टोड ऑन माय फादर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ऑल। 49वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 68 से अधिक देशों की 212 फिल्में दिखाई गई। अल्बर्टो,
मोंटेरास 2 को उनके फिल्म रिस्पेटो के लिए सेंटेनरी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। फिल्म डॉनबास को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के गोल्डन पीकॉक खिताब से नवाजा गया। इस बार इफी में फोकस देश इसराइल था। खास बात यह रही कि इस साल इफी के लिए स्टेट फोकस का वर्ग रखा गया, जिसमें राज्यों की फिल्मों पर फोकस किया गया। कार्यक्रम के समापन पर इफी के निदेशक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड दैट 8 डेज ऑफ जॉय ऑफ सिनेमा हैज हेल्ड अस टुगेदर, हैज हेल्ड द ऑडियंस टुगेदर, बिकॉज इफी एज अ प्लेटफॉर्म फॉर दिस ईयर दैट इज द 49th ईयर has offered us creativity, ideas, excellence, vision, diversity and most importantly confluence of narratives. 9 दिन तक चले फिल्म महोत्सव के दौरान दुनिया भर से सिने प्रेमियों ने फिल्मों के इस समंदर में डुबकी लगाई। फिल्मकारों ने अपने अपने अनुभव यहां सभी से बांटे। इफी ने गोवा से विदा ले ली है, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले साल फिर मुलाकात होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने अगले सप्ताह होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के नेताओं से आग्रह किया है कि वो अपना अड़ियल रवैया छोड़कर पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करें। पोलैंड में होने वाले इस सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। समझौते से अमरीका के हटने के फैसले के बाद विश्व के नेता पेरिस समझौते में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौते पर होने वाला फैसला 2020 से लागू होना है, जिसका मकसद औद्योगिकीकरण से पहले के तापमान से ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना है। भुवनेश्वर में खेले जा रहे हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 5-0 से हरा दिया। मैच के 10वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। हरमनप्रीत की ट्रैक फ्लिप को विपक्षी गोलकीपर ने रोक दिया, लेकिन इस मौके पर मनदीप सिंह ने शानदार गोल करके भारत को 1-0 से आगे कर दिया। इसके 2 मिनट बाद ही आकाशदीप सिंह ने गोल कर भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। आखिरी क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर सिमरनजीत ने एक और गोल कर भारत की बढ़त को 5-0 कर दिया। इसके बाद कोई और गोल नहीं हुआ और भारत इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहा। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 13वें G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। G20 सम्मेलन में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद पर भी चर्चा होने की है संभावना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच दौरे पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। धान क्रय केंद्र का जाना हाल, किसानों ने से की बातचीत। इसरो ने किया PSLV C-43 के जरिए धरती का अध्ययन करने वाले उपग्रह हाइसिस का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण। PSLV C-43 के साथ 8 देशों के 30 उपग्रह भी किए गए प्रक्षेपित। 18 दिसंबर से शुरू होगा विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। राज्यपाल राम नाईक ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत के लिए दी सहमति। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।